गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू चैनल। आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड आ गया है तो चेक करते हैं। स्कोर कार्ड देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि आपका एक्यूरेसी कैसी है और आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कि आप आगे के एग्जाम में उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। तो ये मेरा देखते हैं। तो गाइस मेरा स्कोर है 59.5। मैंने अटेम्प्ट मैं यूपी से हूँ और मैंने मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ बट मैं यूपी से फॉर्म भरता हूँ कि उत्तराखंड में वैकेंसी नहीं आती है, मतलब बहुत कम आती है। तो 59.5 है और मैंने 62 अटेम्प्ट किया था, शायद 39 रीजनिंग में किया था, 23 इसमें किया था। तो दोनों में शायद एक एक गलत हुए या नॉर्मलाइजेशन हुआ पता नहीं, बट मेरे एक एक मार्क्स दोनों में कम हुए हैं, दोनों में एक एक गलत हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने 62 अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर 59.5 बना है। आपका क्या स्कोर बना है आप जरूर कमेंट करना, और आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है और आपके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो जरूर मेंशन करना। और अगर जैसा भी आपका स्कोर रहा है आपको चेक इसलिए करना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था और आपका एक्यूरेसी, मेन बात होती है कि एक्यूरेसी कैसी रही आपके एग्जाम में, क्योंकि वो आगे कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा आपको, कहीं ना कहीं आगे के एग्जामों में आपको जरूर हेल्प करेगा कि आप उस चीज को माइंड में रखोगे और अपनी तैयारी उस हिसाब से करोगे। तो अभी जिसका भी क्लियर हुआ ऑल द बेस्ट, आप मेंस के लिए लगे रहो, और जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे पेपर है, आईपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, कोई बात नहीं, सभी सभी का कभी ना कभी जरूर होगा, बस तैयारी जरूर रखते रहना, तैयारी करते रहो अपना, ठीक है, और तैयारी का कोई नुकसान नहीं है, आप तैयारी करते रहो, ठीक है। और बस मेरा तो यही स्कोर रहा है, और अपना आप स्कोर जरूर कमेंट करना किस स्टेट से हो और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है और आपकी आपके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।